लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में चुनावी रैली की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि आरजेडी ने इतने सालों तक बिहार पर राज किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वह अपने काम के आधार पर वोट मांग सके, इसलिए नीतीश जी के काम पर वोट मांगते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा और भ्रष्टाचार का नाम आरजेडी है। चारा घोटाले पर तो अदालत ने भी मुहर लगा दी है। इस घोटाले के जरिए राजद ने गरीबों को लूटा है। आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या लालटेन से कभी मोबाइल चार्ज हो सकता है? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। अगर अभी लालटेन का राज होता तो ये लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जीने देते। अलायंस के पास न कोई विजन है न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था।